जी नाजरीन, जो हमारा लेक्चर अभी है प्राइमर डिजाइनिंग के ऊपर, लेक्चर नंबर 4, उसका जो पार्ट 2 है वह प्राइमर के मेथड्स के ऊपर। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो प्राइमर के जो मेथड हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात की पिछले लेक्चर में, कि जो प्राइमर डिजाइनिंग के दो मेथड होते हैं, एक जो है उसको हम कहते हैं ये मैनुअल मेथड है, दूसरे को हम कहते हैं ऑटोमेटेड मेथड है। अब जो मैनुअल है उसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, इसमें क्लस्टर डब्ल्यू भी है जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 3 था, सारा उसी के ऊपर था। और उसके बाद जो है आगे जस्ट बायो या ओलिगो कैलकुलेटर उसमें हम यूज करते हैं। अब तमाम स्टूडेंट को मैंने रिकमेंड करता हूं और आगे भी करूंगा कि जब भी अपने प्राइमर डिजाइन करना तो मैनुअल मेथड पहले जरूर अप्लाई करें, फिर आप उसके जो ऑटोमेटेड के ऊपर जाएं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ट्रूली सोली होगा कि हम किस तरीके से जो है मैनुअल प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, जो हमारा जो है प्राइमर की जो है वो सीरीज जो है वो कंटिन्यू है अभी, जिसके ऊपर डिफरेंट लेक्चर आप सुन रहे हैं। आज इस सीरीज का जो है वो सेकंड लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 का जो पार्ट 2 है, जिसमें हमने आपको आपको ये डिटेल से बताना है कि आप जो है मैनुअली प्राइमर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड भी तरीका है हम थर्ड में बताएंगे। तो मैनुअल प्राइमर डिजाइनिंग के लिए जितने भी मेरे आज तक के लेक्चर हैं वो आपको सब रिकॉल आप जरूर करें, क्योंकि अगर वो रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है प्राइमर डिजाइन कैसे कर सकते हैं मैनुअली। तो मैनुअली प्राइमर डिजाइन करने में जो मेन दो जो है वो सॉफ्टवेयर या टूल यूज होते हैं वो है हमारे पास क्लस्टर डब्ल्यू, और उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जस्ट बायो। आपको जस्ट बायो में जो जस्ट बायो एक पूरा डेटाबेस की तरह का है, इसमें डिफरेंट टूल्स हमारे पास हैं, इसमें सिर्फ एक टूल हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओलिगो कैलकुलेटर, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यूँ क्लस्टर डब्ल्यू और जो है वो जस्ट बायो की कम्बिनेशन से जो हम मैनुअल प्राइमर डिजाइन करते हैं। इन दोनों का कम्बिनेशन ही नहीं है, इसके पीछे बहुत और भी सारे टूल्स हैं। लाइक अगर आप प्राइमर डिजाइन करना चाह रहे हैं किसी जीन का, मैं आपको जीन की एग्जाम्पल देता हूँ, आप ड्राइन करना चाह रहे हैं PQQC का, ये मैंने जो है निक्लोटाइड में आके पीकी को सी जीन लिख दिया, पैरेलल कोवानिन क्विनोलिन जो है उसका जो सी जीन है उपरान में से, उसका मैंने नाम यहाँ निक्लोटाइड पे लिखा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको शुरू से लेकर सारी बायोइनफॉर्मेटिक्स जो मैंने आपको बेसिक टूल बताए हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसको आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद जब इस पेज आपके पास पीकी को सी के सारे जीन्स आ जाएंगे, लाइक हियर वी हैव अ पीकी को सी, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है, इसमें आप देखें तो आपको जो पीकी को सी जो है जेन बैंक पेज के ऊपर हम आ जाएंगे। ये पीकी को सी जो है उसका कंप्लीट जो है जेन बैंक पेज है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि 771 बेस पे का ये जीन है। उसमें हमने फास्ट ए के ऊपर क्लिक करना है, फास्ट ए जो है आपके सामने आ जाएगा। तो यू स्टूडेंट्स, आपको जो है इसका ये भी फायदा हो जाएगा आज के लेक्चर का कि जितने भी हमने टूल्स पहले रन किए हैं वो दोबारा आपके रिपीट हो जाएंगे या आपकी रिहर्सल हो जाएगी। अब इस यहाँ से हमने जो है ये जो जिसका हमने प्राइमर डिजाइन करना है, जिसको आप पीकी को सी कह रहे हैं, उसका फास्ट ए फाइल यहाँ से ले लेनी है। उसको फिर हमने अपनी जो नेक्स्ट हमने एक लेक्चर दिया था, लेक्चर 2 था, वो हमारा था ब्लास्ट के ऊपर, जो चार ब्लास्ट थे उनमें से हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पिक किया था। तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट के ऊपर आके हमने फास्ट ए का वो जो सीक्वेंस हमने पीछे से लिया है वो यहाँ आके पेस्ट कर दिया है। अब वो सीक्वेंस को हम जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो हम इसको रन करेंगे रन ब्लास्ट। जब ब्लास्ट रन होगा तो हमारे पास जो है वो ब्लास्ट में डिफरेंट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको जो है पहले भी एक बार करा चुका हूँ, जब हमने क्लस्टर डब्ल्यू रन किया था कि ब्लास्ट में जब आपने आना तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन की शोरी होती है, जिसमें कोई भी सीक्वेंस जो उसके साथ अलाइन करें, क्योंकि हमने देखना यह है आप प्राइमर को हमने फाइंड आउट करना है, हमने ये देखना है कि कितने सीक्वेंस के दरमियान जो है वो कंजर्व रीजन ये है और कितने में ये कंजर्व रीजन नहीं है। तो यहाँ से हमने जो है वो 5 सीक्वेंस पिक कर लिए। अब आप ये सोच रहे हैं हमने इस सीक्वेंस को क्यों नहीं पिक किया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं कि आपने सीक्वेंस वो पिक करने हैं कि जो 5 to 3 हो, क्योंकि जो कुछ सीक्वेंस जो है लोगों ने सबमिट किए हुए यहां पे वो 3 to 5 भी होते हैं। तो 5 to 3 होंगे तो हमें जो है वो तमाम सीक्वेंस की अलाइनमेंट हम चेक कर सकते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से। अगर कोई रिवर्स 3 to 5 होगा तो उसको हमें पहले रिवर्स कंप्लीमेंट बनाना पड़ेगा और फिर हम उसमें से जाएंगे। अब इसका तरीका क्या है, जब आप इसके नीचे आएंगे सीक्वेंस के ऊपर तो वहां पर इसके जो है वो आगे मैं आपको बता भी देता हूं। यहां पर जैसे हम इस जो 5 के ऊपर जब आते हैं दिस वन, अगर इसको हम क्लिक करें तो इस सीक्वेंस को अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास जब अलाइनमेंट शो होगी तो यहाँ पे लिखा होगा कि कुछ के ऊपर प्लस प्लस लिखा होता है, कुछ के ऊपर प्लस माइनस लिखा होता है। जैसे कि ये फर्स्ट वन के ऊपर प्लस प्लस लिखा हुआ है, मतलब है कि जिस जो सीक्वेंस हमारा क्यूरी का वो और जिसके साथ उसकी अलाइनमेंट शो हो रही है वो दोनों क्या है प्लस 5 to 3 5 to 3 है। सेकंड वन प्लस टू प्लस है, लेकिन थर्ड वन देखें तो ये प्लस और माइनस है, इसलिए हमने जो थर्ड वन को पिक नहीं किया था। तो यूँ आपने जो हमारे पास जो 5 सीक्वेंसेज हैं उनको आपने वहाँ से जाके जो है वो सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर जाना है, और डाउनलोड करने के बाद लाइक हियर वी लाइन में डिस्क्रिप्शन पे जाएं और इनमें से हम जो है जो हमारा इसको हम अनसेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप डाउनलोड के ऊपर चले जाएं। डाउनलोड पे जाएं, वहाँ पे आप करें फास्ट ए कंप्लीट सीक्वेंस, इसमें जीनोम का भी आ सकता है, इसको अवॉइड करें। फास्ट ए अलाइंड सीक्वेंस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जब उस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो 5 सीक्वेंसेस हमने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे।
अब ये तमाम सीक्वेंस यहां से हम कॉपी करेंगे और दोबारा हम चले जाएंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट या क्लस्टर डब्ल्यू के ऊपर, वहां पे हम ये सीक्वेंस सारे के सारे यहां पेस्ट करेंगे और इसका जो है इनके दरमियान जो है हम ऑलिज चेक करेंगे। ये क्लस्टर डब्ल्यू का पेज है, यहां पे आप देखिए आपको इनके दरमियान ये कंजर्व रीजन नजर आ रहा है। तो ये हमारा मैनुअल प्राइमर डिजाइनिंग करने का सबसे पहला स्टेप है, जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हमारे पास है। यहां पर ये पीक्यू को सी की आपको सेक्शन नंबर नजर आ रही है और बाकी की भी है। तो यहां पर हमने जो इनका कंजर्व रीजन होगा वहां से हम अपना प्राइमर जो है उसका सीक्वेंस पिक कर सकते हैं। अब इसको प्राइमर नहीं कह सकते, इसको मैं कंजर्व रीजन कहूंगा, क्योंकि जब मैं प्राइमर स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में वो इनके ऊपर पूरा उतरेंगे तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये अब प्राइमर का कैंडिडेट है। अभी ये जो सीक्वेंस है जिसको हम कह सकते हैं ये प्राइमर बनने का कैंडिडेट है ये नहीं है। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने सीक्वेंस लेने हैं कंजर्व सीक्वेंस आपने जो लेने आप देखें ये कंजर्वड है, इसके नीचे स्टार है उसके ऊपर देखें तमाम में जी जी है ए है सब कुछ सीक्वेंस सेम है। और इसी तरीके से आप नीचे आ जाए तो नीचे से भी आपको कुछ सीक्वेंस का पूरा पैच चाहिए होगा जो कंजर्वड होगा, दिस वन ये सारा कंजर्वड है। तो हमने जब फॉरवर्ड या रिवर्स यानी कि आपको पहली स्पेसिफिकेशन यही थी, जब भी आपने प्राइमर डिजाइन करना है तो उसमें जो है वो आपको जीन पूरा हमें चाहिए, उसकी जो है पूरी कंप्लीमेंटेशन चाहिए होती है। तो हमने कोशिश आप यही करें जब भी मैनुअल प्राइमर डिजाइन करें तो जो सीक्वेंस कंजर्वड आपको नजर आ रहे हो वो वेरी स्टार्ट जो सीक्वेंस कंजर्व है वहां से आप अपना प्राइमर चूज करें और देखें कि ये सीक्वेंस क्या प्राइमर बनने के काबिल है या नहीं है। अगर आप उसको सेंटर से पिक करें, सेंटर में देखें यहां भी कंजर्वड आपको स्टार नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो आप यहां से पेमेंट डिजाइन करते हैं, दूसरा आप यहां से फॉरवर्ड यहां से करते हैं, रिवर्स यहां से करते हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप फॉरवर्ड और रिवर्स यहां से करेंगे। अब देखिए इन दोनों के दरमियान जो है कितना प्रोडक्ट है जो एम्पलीफाई होगा, यानी कि आपके जीन का जो साइज है वो 771 से छोड़कर यहां पर तो सिर्फ जो है 50 या 60 न्यूक्लियोटाइड रह जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी पेमेंट डिजाइन करें सीक्वेंस के जो शुरू वाले जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं वहां से कंजर्व रीजन आपको नजर आना चाहिए, और सीक्वेंस के एंड से शुरू में नजर आता है 5 एंड से तो फॉरवर्ड प्राइमर हम डिजाइन करते हैं, और 3 से अगर नजर आता है तो हम उसको उसमें से क्या करते हैं उसका रिवर्स प्राइमर डिजाइन करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें ये कुछ सीक्वेंस नजर आ रहा है शुरू में, ये तो 4 है इनको हम नहीं कंसिडर कर सकते, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज कैंडिडेट फॉर प्राइमर डिजाइनिंग। तो यहां से ये जो सीक्वेंस 4 है ये जो एक पूरी इसका पैच नजर आ रहा है इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं यहां तक, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शंस आप यहां से डायरेक्ट कॉपी करके अगले टूल पे जा सकते हैं, या आप इसको नोटपैड की फाइल में जैसे मैंने ये यहां पे कॉपी किया फॉरवर्ड से भी और रिवर्स से भी, यानी कि फॉरवर्ड यहां से मैंने लिया हुआ है और जो रिवर्स है वो नीचे आ जाए तो मैंने यहां से ये वाला जो सीक्वेंस है ऑलरेडी उसको कॉपी करके नीचे रखा हुआ है। तो ये जो आप हमारे पास दो सीक्वेंस ऐसे आ चुके हैं कि जिसको हम मैं कह सकता हूँ ये फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के कैंडिडेट हैं, लेकिन बात वही है आपको जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने देखना है कि क्या प्राइमर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं एटलीस्ट जो उसकी 3 बेसिक जो उसकी जो है स्पेसिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, साइज उसका क्या है, जीसी कंटेंट क्या है और टीएम क्या है। अब इनको चेक करने के लिए हम जो है ये तो क्लस्टर डब्ल्यू की कहानी खत्म हुई यहाँ पे, आगे हम एक कहानी आप और स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं जस्ट बायो या लिगो कैलकुलेटर। तो लिगो कैलकुलेटर में बताएगा कि क्या ये जो सीक्वेंस हमने पिक किया है जो कैंडिडेट है प्राइमर बनने का या ना बनने का, क्या वो इन कंडीशन से पूरा उतरता है नहीं पूरा उतरता। तो जब हम आ जाते हैं जस्ट बायो के ऊपर, ये दिस इज जस्ट बायो होम पेज, तो आपको यहाँ पे लॉगिन होना पड़ता है जस्ट बायो के ऊपर। अब हम तो ऑलरेडी इस पे लॉग हैं, जब आप लॉगिन नहीं है तो इजीली आप लॉगिन है, फ्री ऑफ कास्ट है ये, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है जस्ट बायो की ये एक पेज खोल, जिसपे अपना नाम डिटेल आप लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो ईमेल आईडी पे आपको जो है इसका पासवर्ड और इसका यूजर नेम आ जाएगा। जैसे आप लॉग इन इसके ऊपर हो जाएंगे तो फिर आप जो है इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत से टूल्स हैं और तमाम स्टूडेंट जो भी बेसिक लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जब भी आप जो है वो कोई भी बेसिक चीज अगर सीखनी है तो इसके ऊपर देखिए डीएनए आरएनए रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन आज का कंसर्न हमारा हम कि जो बाल के लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताएंगे कि जो है वो प्राइमर जो है वो जो है जस्ट बायो कैसे यूज करते हैं। आज हमारा सिर्फ एक ही टूल है जिसको लिगो कैलकुलेटर कहते हैं, उसको यूज करेंगे कि मैनुअली प्राइमर हमने जो डिजाइन किए हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो लिगो कैलकुलेटर को आप जब क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब ये होम पेज है लिगो कैलकुलेटर का, इसमें हमने क्या करना है देखना है कि प्राइमर की जो स्पेसिफिकेशन पूरी है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले फॉरवर्ड प्राइमर को जो कि मैंने क्लस्टर डब्ल्यू से लिया था वहां से कॉपी करके इसको यहां पे पेस्ट करूंगा। और नीचे लिखा आप देखिए इसमें क्या है, इसमें लेंथ शो करेगा, जीसी कंटेंट शो करेगा और उसके बाद जो है मेल्टिंग टेम्परेचर शो करेगा। तो जब मैं इन तमाम को शो आपको नजर आ रहे हैं इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमें देखें इसके ऊपर सारी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि लेंथ की 22 है, जीसी कंटेंट इसके जो है 68 है और मेल्टिंग टेम्परेचर का 67 है, तो बाकी इसका मॉलिक्यूलर वेट है और ओडी है। और ये दो चीजें जो हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये जो है प्राइमर जो है डिजाइनिंग के में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमर की जो सेंसेस होती है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने वहां पे लिखी हुई है। तो आप यहां पे सारी चीजें आ रही है, लेंथ भी आ रही है उसमें हमारे कंट्रोल में है, जीसी भी है, और लेकिन देखिए टीएम जो है ये 60 से ऊपर है, मैंने आपको 60 बताया था, और ये जीसी भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब हमारे पास ये चीजें नहीं आती क्योंकि हम मैनुअली डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 5 एंड से नहीं, जो उसका 3 एंड है उसमें एक और प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन बताई थी कि मोर देन 4 रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आ रहे हैं, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड 4 बार नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस यहां से जो है एक एक सीक्वेंस करके इसको डिलीट कर देंगे, एक करेंगे 2 करेंगे,
फिर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे स्पेसिफिकेशन पूरी है, देखिए अब 22 से 20 होगा, लेकिन जीसी बढ़ गए हैं और ये भी बढ़ गया है, फिर हमारे लिए प्राइमर उसको हम नहीं इसको कंसिडर कर सकते, और इसके जो सीक्वेंस यहाँ से कम करेंगे तो फिर उसको हम तीन और अड़ा दिए हमने यहाँ से, जैसे तीन खत्म किया, आप देखें हमारे पास जो 17 हो गया, ठीक है। अब जो 17 है हमारे पास, या आप देखें ये तो हमारी जो लिमिट है उससे नीचे जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जिसमें एक सी था वो दोबारा इसमें ऐड करके जो है 18 पे जाकर चेक करेंगे, तो हम 18 पे गए हैं, तो देखिए हमारे पास जो है इसकी जो लेंथ है वो भी विद इन अ रेंज है, जिसे कंटेंट मोर देन 60 होने चाहिए, ठीक है ओके। टीएम जो है वो 60 से नीचे आ चुका है, जो हमारी कंडीशन है। अब ये जो आपके पास 18, 67 या 59 हमारे पास आया है, तो जो हमारे पास वहां पे रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे लिखें, जैसे कि इसका हमारे पास जो साइज आया था 18 है, और जो जीसी कंटेंट्स हैं वो 67 थे वो हमने लिख दिए, और जो टीएम है 59 आया, तो यूं फॉरवर्ड प्राइमर जो है इसके हमारे पास ये स्पेक्स आ चुके हैं। आप देख रहे हैं क्या रिवर्स भी इसके ऊपर पूरा होता नहीं होता, तो उसको रिवर्स को यहां से कॉपी करें और दोबारा चले जाए हम इलीगो कैलकुलेटर के ऊपर हेयर, तो यहाँ पे इसको आगे लिखा रीसेट, तो इसको रीसेट कर दे, तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड के लिए कैंडिडेट था उसको आप जो है यहाँ पे जो है वो पेस्ट करें और कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि उसका साइज 24 आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा है, 67 जीसी आ रहा है चलो ओके है, लेकिन इसका जो टी एम है ये वहां पे 59 था यहाँ पे 69 आ रहा है, तो ये भी ये कम होना चाहिए। तो बाकी आप इन दोनों चीजों को कम करने के लिए दोबारा इसका साइज कम करेंगे, और एक और चीज देखिए आपको यहाँ से बहुत से जीज और दोबारा रिपीटेटिव जी नजर आ रहे हैं, तो ये भी हमें 300 पे खत्म होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए टी दो सीक्वेंस यहाँ से ये डिलीट कर देंगे, और बाकी जो जी हैं वो भी वहाँ से सारे जो है खत्म कर देंगे। अब हमने यहाँ से जो है वो 6 सीक्वेंस डिलीट किए हैं, फिर दोबारा कैलकुलेट किया इसको, तो देखें तो यहाँ पे इसका साइज अब 24 से 18 हो गया, जो हमारे पास जीसी कंटेंट है वो 67 हो गए, और टीएम जो है वो भी रेंज में, यानी कि तीनों चीज़ें हमारे पास जो रेंज में आ चुकी हैं, तो ये भी स्पेक्स जो है जो हम जाके जो अपनी फाइल एक बनाई हुई थी वहाँ पर जाके हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हमारा रिवर्स भी 18 हो गया प्राइमर जो है, उसका जो साइज है और उसका जो जीसी है वो भी 67 हो गया, और जो हमारे पास जो उसका टीएम है वो भी हमारे पास क्या आ गया 59। तो यू स्टूडेंट्स इस तरीके से जो आप अगर आप देखें इसको गौर, अब आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर जो है उनकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो उनकी आपस में एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए, साइज है तो वो भी इक्वल होना चाहिए, जिसके कंटेंट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, टीएम है तो वो भी इक्वल होने चाहिए, जरूरी नहीं कि 100% इक्वल हो, 67, 66 हो सकता है, 59 है तो 58 हो सकता है, 18 है तो 16 हो सकता है, या 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन ये आसपास होने चाहिए, लेकिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टीएम, अगर ये आसपास ना भी हो, यानी कि एक प्राइमर फॉरवर्ड आपके पास 18 का है, रिवर्स जो आपके पास 20 का है, तो वो चलेगा, वो हम उसको आगे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं टीएम, ये दोनों का पास पास होना चाहिए, और इसी के साथ जो है हमारा जो है कि मैनुअल प्राइमर जो एक सीरीज थी जो हमने स्टार्ट किया था कि जो सेकंड इस लेक्चर का सेकंड पार्ट था वो इत्तेमाम पज़ीर होता है, तो यूं हम फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर जो है जो सीक्वेंस हमने पिक किए थे क्लस्टर डब्ल्यू से, और जिसको हमने लीगल कैलकुलेटर के जस्ट बाय का जो टूल था उस पर आगे चेक किया कि क्या वाकई इनके ऊपर जो है इनकी कैलकुलेशन उतनी है जितनी कि प्राइमर की स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए, वो हमने कंप्लीट किया। और इसमें आपको एक बात मैं और ऐड कर दूं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी लैब में काम कर रहे हैं, कई बार आपके पास जब प्राइमर आता है तो प्राइमर के ऊपर भी जो है टीएम लिखा होता है, जब सेंसर होकर आता है फॉरवर्ड के ऊपर भी लिखा होता है, रिवर्स के ऊपर भी, तो अब वहां पर स्टूडेंट कहते हैं कि क्या मैं फॉरवर्ड का जो है टीएम लिखूं पीसीआर के अंदर या रिवर्स का लिखूं, तो मैं तमाम स्टूडेंट को यह रिकमेंड करता हूं आप फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉरवर्ड वहां पर लिखा आ रहा है उसका टीएम 55 और रिवर्स का वहां पे लिखा हुआ आ रहा 57, तो आपने क्या करना है फॉरवर्ड और रिवर्स जो है उन दोनों को प्लस करना है, उसको दो से डिवाइड कर देना, यानी कि उनका दोनों प्राइमर का जो मीन होगा जो कि 56 होगा वो जो है आपने वहां पे यूज करना है, या 56.5 होगा, दोनों का जो मीन होगा उसको यूज करेंगे तो आपके पास चांसेस है पीसीआर के आने के, पीसीआर के रिजल्ट या एनीलिंग के या कॉम्प्लीमेंटेशन के, तो यूं हम जो है जो फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर को यूज करके जो है अपना पीसीआर एम्पलीफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी जहां पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको आप प्राइमर डिजाइन में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है इतनी भी लेक्चर की सीरीज है उसमें, तो आप जो मेरा चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद नवीद, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको इस प्राइमर रिलेटेड जो भी कमेंट्स आएंगे, जो लोग इस पर कमेंट करेंगे जिनकी कन्फ्यूजन्स होंगी, वो जब उसको कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, तो आपकी कन्फ्यूजन्स वहां से दूर हो सकती हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं प्राइमर डिजाइनिंग के अंदर, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।